वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आपका इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अगर आप हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारा वीडियो सेशन जो है ये वोकैब सेशन है, जिसमें तीन सेशन आप खत्म कर चुके हैं। आज हम चौथे सेशन के साथ आपके बीच आए। तो सबसे पहले आपके पास प्रेजेंट है 4 क्वेश्चन चैलेंज, जो बोर्ड पे आपको मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप इसे पहले करेंगे, 1 से 2 मिनट का समय आपके पास होगा, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। क्लास पीछे के क्लासेस पे आधारित है ये। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले है कि वन हुई अगेंस्ट रिलीजन, आपको याद है तो आंसर डायरेक्ट होगा हेरेटिक जी, क्योंकि साइडिस्ट होता था जो दूसरों को पीड़ा दे करके खुद ही एंजॉयमेंट फील करता हो, पर पीड़ा। एथेइस्ट होता था जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक। फर्स्ट सेशन में शायद ये वर्ड आपको मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था कि वन हुई रेडी टू टेक रिवेंज, बदले की भावना से भरा इंसान कहलाता है विंडिक्टिव। विलेन आप सब बढ़िया से जानते हैं। कॉम्बैटिव का हिंदी हो जाता है जो इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर लड़ने का गुण रखता हो, लड़ाकू। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था कि वन हु लुक्स डाउन अपॉन अदर, दूसरों को नीचा दिखाने वाला इंसान होता था डिसडेनफुल। चलिए, हेटर तो ऐसे ही होता है, कॉमन सा वर्ड जिसका मतलब घृणा करने वाला। पैसिफिस्ट का हिंदी हम लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए शांतिवादी, जो हमेशा शांति का पक्षधर हो। आज ये वर्ड हम लोग क्लियर करेंगे या फिर पी वाला सेक्शन जब आएगा तो उसमें क्लियर करेंगे। 4th में कह रहा था ऐसा आदमी ना जो कि बहुत हमेशा चिंतित रहा करता है, इसी इंसान को हम कहते हैं डिस्ट्रॉट यानी हताश। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 में आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने बताया था कि इसका लिटरेचर में नॉलेज 0 होता है, यानी ये किसी भी प्रकार का कला नहीं जानता है, कलाहीन। वन हु इज ट्रैवलर इन आर्ट। चलिए, तो आज का सेशन फिर शुरू किया जाए। आंसर मैच कर लीजिएगा, उसके बाद आप
इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए, अगर आपसे नहीं बन पाया था तो। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग वोकैब सेशन 4। लास्ट वर्ड नंबर कितना था? 17 था। चलिए तो 18 में देखिएगा, आज का वर्ड आपके पास में है एमीग्रांट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हम लोग पढ़ते चल रहे थे तो उसमें हम लोग ई में एंट्री किए थे और ई में आज का वर्ड है एमीग्रांट। देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा इस वर्ड का रिलेशन कहीं ना कहीं क्या चीज से है, कंट्री से। इस वर्ड का रिलेशन कहीं ना कहीं कंट्री से है। आप समझने का कोशिश करते हैं, डेफिनेशन इसका पहले देखिएगा क्या होगा। वन हु लिव्स हिज कंट्री, वह इंसान जिसने अपना देश छोड़ दिया है और दूसरे देश में जाके बस गया है। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि इसका हिंदी अब क्या निकलेगा, प्रवासी। अब देखिए, अब नेक्स्ट में रिलेटेड वर्ड की बात अगर मैं करूं तो इसमें आपके पास 3 से 4 वर्ड होंगे रिलेटेड। तो आपको दिखाया जा रहा है नेक्स्ट वर्ड यानी इसका रिलेटेड वर्ड। चलिए तो रिलेटेड वर्ड में आपका पास सबसे पहले होगा IMMIGRANT, इमीग्रांट। अब देखिए इसका डेफिनेशन समझिएगा स्टूडेंट। वन हु कम्स टू अदर्स कंट्री, वह इंसान जो किसी दूसरे देश आया हुआ है। अब जरा सा याद रखने के लिए आपको कि सर मेरे को कंफ्यूजन होगा, लीव्स और कम्स हमको ध्यान रहेगा उतना ध्यान नहीं रहेगा, इसका एक तरीका है आपके पास। देखिए यहां से कम का मतलब समझना है, बेस के तौर पे उठाते हैं। मान लेते हैं ये इंडिया है और ये मान लेते हैं वर्ल्ड है, थोड़ा बड़ा बनाइए, दुनिया बड़ी होगी ना भारत से भी। अब समझते हैं, अगर ये इंडिया से बाहर चला गया तब हो गया क्या, उसने इंडिया छोड़ दिया तो कहलाएगा आपके पास में क्या, इमिग्रांट। लेकिन अगर वो दुनिया से वापस हमारे यहां आया है, यानी दूसरी दुनिया का है और हमारे यहां आया है, तो आई फॉर क्या कहलाएगा, इमिग्रांट। आप इसको समझने के लिए वर्ल्ड के जगह इंग्लैंड भी ले सकते हैं कि मान लीजिए भारत का कोई इंसान जो था वो अपना देश छोड़ करके लीव कर गया, कहां, इंग्लैंड, तो कहलाएगा इमिग्रांट। ठीक है, ये लीव कर रहा है, छोड़ रहा है भारत। लेकिन अगर ये भारत वापस आ रहा है स्टूडेंट, तो वैसे केस में हो जाएगा इंडिया आ रहा है, यानी आई वाला इमिग्रांट। तो आप इसे बेस के तौर पर याद रख सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं होती है हम लोगों को, तो उनका कोई सोल्यूशन हम बना सकते हैं और ये एक सोल्यूशन हो सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, यानी कि दूसरा इसका रिलेटेड वर्ड कौन सा है। बोल एक वर्ड होता है स्टूडेंट रिपैट्रिएट। देखो लास्ट में एटी का मतलब है ना, ये पर्सन नहीं है बल्कि क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, टू सेंड बैक, टू सेंड बैक हिज कंट्री। यानी कि मान लेते हैं कोई दूसरे देश का नागरिक आपके देश में आके रह रहा था, आप उन्हें वापस उसी के देश भेज रहे हैं, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, रिपैट्रिएट कर रहे हैं। तो रिपैट्रिएट का मतलब होता है किसी को उसके देश वापस भेजना, अगर वो दिक्कत हो रहा है उनके लिए। री का मतलब ही होता है बैक, जैसा लोग जानते हैं ना कि कोई चीज नया है और उसे नया करना है तो हम बड़ी यूज करते हैं रीन्यू, यानी री का मतलब अगेन, दोबारा से नया करना। चलिए तीसरा वर्ड आपको दिखाता हूं, एक्सपैट्रिएट।
फिर से आपके पास में देखो पैट्रियट वर्ड का रिलेशन आया है, यानी कि कंट्री से रिलेशन होगा। चलो समझाने के लिए, सबसे पहले ई एक्स का मतलब होता ही है आउट, बाहर। चलो, और ये लास्ट में एटी से पता चल रहा है, फिर से पार्ट्स ऑफ सी बीच में भव है। टू थ्रो आउट ऑफ हिज कंट्री, किसी को उसके ही देश से बाहर फेंकना, ये कहलाता है स्टूडेंट एक्सपैट्रिएट, किसी को उसी के देश से बाहर फेंकना। चलिए, तो आज का था ये पहला वर्ड सेशन आपका फिनिश हुआ, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, तो ई से नेक्स्ट वर्ड होगा एपिटो। चलिए देखिएगा एपिक्योर वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इस वर्ड का रिलेशन खाने पीने की चीजों से रिलेटेड है, यानी कि ईटिंग हैबिट से रिलेटेड ये वर्ड है। अब इसको देखिएगा डेफिनेशन पहले, उसके बाद हिंदी करेंगे। वन हु इज फॉन्ड ऑफ, अब जिनको पता नहीं है फॉन्ड ऑफ का मतलब वो लिख सकते हैं शौक की। वन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग डेलीशियस फूड, अब जिनको डिलेशियस का मतलब नहीं पता है उनके लिए, जिस खाने में टेस्ट बहुत हो, डिलेशियस फूड। किसी भी ऐसे इंसान को हम एपिक्योर की संज्ञा देंगे जिसको अच्छे अच्छे खाने खाने का बहुत ही मन करता होता है। चलिए अब आइए रिलेटेड वर्ड में। सबसे पहले GLUTTON, बहुत सारे स्टूडेंट सुने होंगे ये सब, काफी कॉमन और काफी पॉपुलर टर्म है। चलो डेफिनेशन पहले करते हैं फिर से। वन हु इट्स टू मच, अब देखिए टू इसलिए लग गया जाता है कहीं पे ना, क्योंकि इसे निगेटिव सेंस में यूज करना होता है। तो ये खाना तो खाता ही है ना, सारे लोग खाते हैं, भाई हम भी खाते हैं, आप भी खाते हो, लेकिन ये इतना खाता है ना कि तीन चार आदमी भूखे भी रह सकते हैं अगर ये खा लिए। यानी हिंदी में आप इसको क्या गाने देते हैं समझ गए होंगे, पेट। ठीक है ना, साउथ की मूवी वगैरह देखो ना, उसमें एक आठ बच्चे को दिखाया गया गोल मटोल सा, हमेशा उसका कोई भी सीन आएगा ना तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ खाने का सामान, लड्डू तो जरूर दिखाएगा। बेचारे को क्या दिखाते हैं मूवी में, ग्लूटन दिखाते हैं। याद रखने का तरीका है, ज्यादातर देखो ना गोलू वगैरह जो नाम होता है ना बचपन में उसी बच्चे का होता है जो ज्यादा गोल मटोल होता है। तो आप याद रखना कि गोलू इज अ ग्लूटन, हो गया कि बहुत खाता है यार तो गोलू, सुबह से शाम तक खाता ही रहता है, गोल हो गया खा। चलिए तो ग्लूटन वर्ड का ही सिनोनिमस एक बता देते हैं, याद रख लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। GOURMAND, ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब होता है क्या, ग्लूटन होता है, पेट होता है। चलिए अब देखो मजाक ही मैं सिखाता हूं आपको एक और वर्ड। किसी ने पूछ दिया कि सर ऐसा भी तो कोई बच्चा होगा जिसे खाने से ही एलर्जी है, मतलब वो खाना ही नहीं चाहता। चलिए तो उस इंसान को हम लोग क्या करते हैं वो लिखते हैं सीटोफोबिक, और ये भी OWS में फेमस वर्ड है, कम ही एग्जामिनेशन में आया है लेकिन जब भी आया है कंफ्यूजन क्रिएट किया है। एक बार ध्यान देना, FOBI का मतलब ही होता है डर, और सीटो वर्ड का मतलब कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, यानी समझना है ये खाने के लिए बैठेगा ही नहीं, इसको मम्मी दौड़ दौड़ के खिलाते रहती है, पकड़ पकड़ के खिलाते रहती है, और ऐसी बीमारी है ऋतिक रोशन को भी थी। चलिए नहीं जानते थे तो भाई जान गए होंगे शायद अब। तो सीटोफोबिक, वन हु इज अफ्रेड ऑफ ईटिंग एनीथिंग,
एटिंग ही रखो ना हटाऊं। वह इंसान ना जैसे को खाना खाने के नाम से ही डर लगने लगे कि नहीं नहीं हम अब निकलते हैं यहाँ से, हम नहीं खाएंगे। तो चलिए, ग्लूटन का आपको सिनोनिमस में गॉर्मेंट बताया गया है और एंटोनिमस में बताया गया साइटोफोबिक, जिसको मम्मी कभी भी बैठा के नहीं खिला पाती हैं, यानी जो हमेशा दम खाने के नाम पे बैठेगा नहीं भाग जाएगा। ये तो था ए और बी, अभी बाकी है, बहुत बाकी भी वर्ड है रिलेटेड वर्ड में। आइए सी में, जी ओ यू आर एम ई। अब कितने स्टूडेंट गवर्नमेंट शब्द का मतलब नहीं समझते हैं, उनके लिए देखिएगा डेफिनेशन बता रहा हूं। वन हु इज, आप देखो ये मत बोलना कि ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड आ गया। सी ओ डबल एन ओ आई डबल एस ई यू आर। वन हु इज कन्वायसर ऑफ कुकिंग फूड। उस इंसान को कहेंगे ना जो खाना आपने बना करके लाया और उसके बाद एक चम्मच से हल्का सा बीट लिया उसने। आप बीट का मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये होता है थोड़ा सा ऑलिट, और उसने हल्का सा उठाया और टेस्ट करते ही बता दिया इसमें ये हींग नहीं पड़ा, इसमें ये नहीं पड़ा, उसमें वो नहीं पड़ा। इसका मतलब है ना कि वो सोचे कि खाने का कितना बड़ा पारखी है कि उसने बता दिया कि कौन सा चीज इसमें नहीं पड़ा। यानी ऐसे ही इंसान को कहते हैं क्या, गवर्नमेंट। चलिए, इसी को कहते हैं कला पारखी नहीं, भोजन विशेषज्ञ। भोजन विशेषज्ञ होते हैं, यानी जो आप लोग देखते होंगे कभी कभी टीवी चैनल्स पे आता है ना शेफ चैलेंज, उसमें आप शेफ को दिया जाता है कोई डिश बनाने के लिए, और उसमें तीन या चार या एक या दो कोई भी एक पर्सन होते हैं, तीन चार, वो क्या करते हैं, उन तीनों का आकलन करते हैं कि किसने वो डिश सबसे अच्छी बनाई है। नेक्स्ट वर्ड में आइए स्टूडेंट, घर में आपका गैस तो होगा ही। देखो भाई, अगर बैठे रहोगे खा पी के ना तो पेट में भी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा टहलना बुलना भी चाहिए, ठीक है। तो आज का वर्ड है नेक्स्ट में गैस्ट्रोनॉमी। अब देखो, गैस वर्ड से हमें सिर्फ याद रखना है ना कि खाने पीने का सेंस है, किचन से सेंस है इस वर्ड का, और एनओ एम वाई का मतलब हो गया कला। तो डेफिनेशन स्टार्ट करो ना, आर्ट ऑफ कुकिंग, और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा पाक विज्ञान, और नहीं तो फिर अगर आपने बिहार से एजुकेशन हासिल किया है तब तो पक्का आपके जो होंगे ना सर, टेंथ क्लास में नहीं छोड़े होंगे आप लोग, कहे होंगे कि अब लास्ट क्लास निकल रहे हो तो कम से कम कुछ खिला खिला के जाओ अपने हाथों से बना के। चले, तो गैस्ट्रोनॉमी आर्ट ऑफ कुकिंग, पाक विज्ञान। चलिए, अगला पड़ा वो बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, फैजोमैनियक। फैजोमैनियक अब देखो, आपको ये वर्ड और क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया कि एक और वर्ड बता दिया मैंने, पैंथोफैजिस्ट। आपको एक बात तो समझ में आ गया कि हम स्टार्टिंग में जब वोकैब सेशन जीरो बना स्टार्ट किए थे और बताए थे पर्सन क्वालिटी में अधिकांश वर्ड के लास्ट में आईएसटी रहेगा और ये किसी आदमी के गुण से रिलेटेड वर्ड होगा। तो समझना है कि पैन मतलब क्या होता है, तो पैन का मतलब होता है संपूर्ण, जैसे पैन इंडिया बोलिए तो पैन इंडिया यानी संपूर्ण भारत हो गया, तो ये संपूर्ण हो गया। और पी एच ए जी यहाँ भी है, पी एच ए जी यहाँ भी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोग जो बातें कर रहे थे खाने पीने की ना, इन दोनों वर्ड का रिलेशन कहीं ना कहीं क्या चीज से है स्टूडेंट, खाने पीने से। तो आप समझना है कि फैजोमैनिया क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि मैनिया का मतलब होता है लत, आदत। तो चलिए लिखते हैं, ऑब्सेशन यानी लत हो गया ऑफ ईटिंग, और कुकिंग
यानी जो ऐसे इंसान होते हैं ना, इनके किचन से निकलने का इनको मन नहीं होता है। अभी सुबह से शाम तक खाना बनाए हैं, फिर भी बोल दीजिए कि हाँ हमको ये चीज़ चाहिए, तो पता नहीं इनको क्या फील होता है कि हम खाना बना के देंगे तो मेरे लिए लोग चर्चा करेंगे क्या करेंगे, और ये फिर से आपको बनाकर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे इंसान को कहेंगे फैजोमैनिया, ऑब्सेशन ऑफ ईटिंग और कुकिंग। पैंथोफैजिस्ट में हो गया क्या, याद करो जितना भी आईएसटी का वर्ड है लगभग वो डेफिनेशन वन हो से स्टार्ट करते हैं कि वन हो, और आप जान ही रहे खाने पीने की बात है तो ईट्स, और पैन का मतलब ऑल हो गया, टाइप्स ऑफ फूड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपने बहुत ही ज्यादा मसालेदार खाना बनाया तो भी इंसान उतना ही खाएगा, आपने एकदम सादा खाना बनाया है तो भी उतना ही खाएगा, भेज दे देंगे तो भी, नॉन वेज दे देंगे तो भी, हर तरह का खाना को ये ना नहीं कहेगा। चलिए हो गया सभी का, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एफ तक आप पहुंचे हैं, जी में आइएगा, डिप्सो मैनियक। देखिएगा डिप्सोमैनिया क्या होता है, तो सबसे पहले आपको इतना पता तो चल ही गया है कि लत हो गया। अब हमें डिप्सो का मतलब समझना है, तो बस डीआई का मतलब समझना है या डीआईपी का मतलब समझना है, ड्रिंक, ठीक है। अब समझना है क्या कि जिस इंसान को ना किसी भी प्रकार के ड्रिंक की आदत हो जाती है, चाहे वो शराब हो या फिर आप किसी भी प्रकार का अल्कोहलिक ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बात कर सकते हैं, सोडा की बात कर सकते हैं, चाय को नहीं रखिएगा, चाय अलग चीज है। चलिए, one who has intense का मतलब होता है तीव्र, बहुत तेज, intense desire for alcohol लिख दो। जिस इंसान को बहुत ही तेज लत होती है कि वो एकदम अगर सूंघ लिया, हल्का सा भी सेंट आ गया तो अब उसे बर्दाश्त नहीं होगा, है ना, आपके साथ बैठ जाएगा या तो फिर कहेगा भाई कितना भी लो लेकिन हमको भी एक पैक चाहिए। तो वन हु हैज इंटेंस डिजायर फॉर अल्कोहल। बहुत अच्छे स्टूडेंट अगर आप हैं तो फिर से मैं कहूंगा कि इसका क्या करें, सारो निकालते हैं। बिहार में बंद है भाई, जहां से पढ़ा रहे हो बिहारी है। अब आपको बता दूं मैं, बिहार में दो तरह के टॉपर पकड़े जाते हैं, एक तो टेंथ बोर्ड में टॉप कर जाते हैं तो भी कभी कभी, और दूसरा शराब पीने वाले भी। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, देखो जो टॉप करते हैं उनका स्प्रिंग होता है टी ओ डबल पी या, लेकिन जो शराब के आदि होते हैं उनको और क्या कहते हैं, टॉपर। इसका साइन यूज करना है क्या, टॉपर। और सिंपल आप दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं स्टूडेंट, ड्रंक भीतरी हो गया और ए आर डी लगा दो, ड्रंक कार्ड, पियक्कड़ हिंदी में कह दो। किसी ने पूछ लिया कि एंटोनिम्स भी बता सकते हैं, बताना हिंदी में पहले, वही मम्मी और क्या तो और क्या, शराब पापा पीते हो या दोस्त पीता हो या आप पीते हो, कभी कभी लड़कों के साथ होता है जब हो जाते हैं ना 20+ तो सोचने लगते हैं कि हम भी अब हो गए हैं, तो मम्मी को एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, और मम्मी को इसलिए हिटलर कहते हैं, है ना, उसी तर्ज पे याद रख सकते हैं, तो याद रखो टीटो टेलर, ठीक है, शराब विरोधी। वन हु एबस्टेंस, एबस्टेंस का हिंदी होता है परहेज करना, एबस्टेंस फ्रॉम, सॉरी आप लोग के कानों तक भी पहुंच गया, शायद ये भी कह रहा है कि हम भी शराब से दूर रहते हैं। When we abstain from alcohol, तो पूरा वीडियो सेशन नहीं रहेगा, नहीं ईगो पे ले लेता है। चलिए J
जी के बाद एच कर देते हैं। वर्ड आपके पास है इनविटेबेट। देखिए बहुत ही मुश्किल टर्म है, इसलिए डायरेक्ट आप इसको पहले डेफिनेशन लिखते हैं। हैबिचुअल, हैबिचुअल ड्रंकार्ड, मतलब ना जिसका एक आदत बन गया है शराब, उसके बिना उसका एक दिन भी नहीं गुजरेगा, उस इंसान को हम कहेंगे इनविटेबेट। दोनों में फर्क यह है कि इसे तीव्र इच्छा हो जाती है जब मिल जाएगा तब, इन्हें अब चाहिए, लेकिन इसके साथ है ना कि इसको चाहिए तो चाहिए। ओके, दोनों में फर्क है। चलिए 20 नंबर करते हैं। देखिए 20 नंबर में वर्ड आपके पास है पोर्टेबल। पर्सन क्वालिटी नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं जब चर्चा हो रही है तो। देखिए एबल से पता चल रहा है स्टूडेंट कि एक टर्म एडजेक्टिव होगा। जी बिल्कुल, शुद्ध हिंदी इसका होता है पे। नहीं समझ में आया तो इसका मतलब हो गया पीने योग्य। चलिए समझ गए हम डेफिनेशन, तो इंग्लिश हो जाएगा फिट टू बी, फिट टू ड्रिंक लिख देते हैं एक्टिव फॉर्म, वैसे नहीं एडजस्ट हो रहा है। फिट टू ड्रिंक यानी ऐसा कोई भी पदार्थ जो आप पी सकते हैं, जैसे पानी ही आप कहीं से ग्लास में रखे हुए हैं, उसमें कुछ धूलकण पड़ गया, आप कहते हैं ये पीने लायक नहीं है, ठीक है ना, यानी पहले पीने लायक था तो वही चीज है, जो चीज पीने लायक है उसे हम पोर्टेबल कहते हैं। अब इसी का रिलेटेड वर्ड आप एक निकालिए इटेबल, हिंदी क्या हो जाएगा खाद्य, मतलब खाने योग्य, फीड टू इट। कोई भी ऐसे चीज जिस चीज को हमने बनाया था सुबह में 2 से 3-4 घंटे तक, कहा भी जाता है साइंटिफिकली अगर आप बात करें साइंस के दृष्टिकोण से कि खाना 4 घंटे के बाद गर्म करके खाना चाहिए, 4 घंटे तक वो बैक्टीरिया को अपने अंदर प्रभावित होने से रोकता है, 4 घंटे के बाद उसमें बैक्टीरिया प्रभावी हो सकते हैं। तो हुआ क्या कि 4 आवर्स तक हर प्रकार का बनाया गया डिश क्या होता है एडिबल होता है। इंसिपिएंट, देखिए क्या हुआ, खाना मम्मी ने प्लेट में लाके दिया, आपने चखा, आपने कहा मम्मा इसमें नमक डाले हैं, अब वो कर रही हैं याद नहीं है, फिर कहते हैं मिर्ची नहीं था घर में। इसका मतलब क्या होता है ना कि आप खाना में ना तो आपको नमक सब महसूस हो रहा है ना, उसमें मिर्च का ही एहसास आ रहा है, इसका मतलब वो खाना एकदम से कैसा है इनसिपिएंट। इन मतलब खाने में, सी मतलब पता नहीं, कोई स्वाद ही नहीं है, तो इसका मतलब हो जाता है क्या सिनोनिमस, अगर हम बात करें डायरेक्ट टेस्टलेस, ये खाना एकदम टेस्टलेस है। अब किसी ने कहा दिया ना कि सर हम इसको कह सकते हैं सड़ा गला से, तो ज्यादा हो जाएगा भाई, है ना, सिर्फ उसमें टेस्ट नहीं है। अब किसी ने कहा इसका एंटोनिमस बताओ तो क्या होगा, देखो जिनके घर में नमक वगैरह थोड़ा संतुलित मात्रा में पड़ता है, मसाले संतुलित मात्रा में पड़ते हैं, उनके यहाँ के खाने को अगर इनसे पीट कहा गया गलती से, एक दिन खाने वाला, खाने जो बनाने वाले हैं वो कोई और है, मम्मी उसे नहीं है उनकी बात पे हम खाना बना रहे हैं और मुझे थोड़ा मसालेदार पसंद है और मैंने बता दिया खाना बना दिया सॉरी, अब खाने के बाद जब मैंने परोसा तो हर आदमी कह रहा है कि खाना थोड़ा तीखा है, तीखा है इसलिए क्योंकि उनको आदत नहीं थी, उनको मिर्ची लग रही है, उन्हें मसाला ज्यादा लग रहा है, लेकिन
थोड़ा सा अच्छे भाषा में बोलते तो वो क्या बोलते, स्पाइसी, थोड़ा मसालेदार है। चलो एक रिलेटेड वर्ड और करते हैं इसका, और वर्ड है स्टूडेंट सम्सुअस। हमको तो लगता है वीडियो देखते देखते सबको खाने पीने पर ध्यान जा रहा है। सम्पचुअस वर्ड है, SUMPTUOUS, इसका मतलब होता है डेलीशियस एंड कॉस्टली डिश। कोई भी ऐसा खाना जो कि स्वाद में भी हो बहुत अच्छा, लेकिन उसकी कीमत भी अदा करने पड़ी पॉकेट से अच्छी खासी, तो वैसे खाने को हम सम्पचुअस डिनर कहते हैं। किसकी आवाज है, गेस कर सकते हैं कमेंट में, ये भी लिखिएगा और क्या कि भाई बैकग्राउंड से किसकी आवाज आ रही थी। नहीं, कोई कौवा नहीं लिख दीजिएगा, कौवे की आवाज नहीं सर। चलिए आज ज्यादा मुझे पढ़ाने का मन नहीं है, तो मैं अब करता हूं MOD से सेंटेंस आप, सॉरी आज का क्लास ये लास्ट। चलिए क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट, वन हु डज नॉट ईट मीट। क्वेश्चन को समझ लीजिए, नहीं तो क्लियर वेजिटेरियन herbivorous carnivorous piscivorous fructivorous चलिए अगर और ऑप्शंस अगर आपको चाहिए, क्रैमनिवोरस, चलिए आपकी ओर से क्या आंसर आ रहा है मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो आप अपन सब मैच करना शुरू करते हैं, तो आंसर आपके पास शायद स्टूडेंट्स का आया होगा हर्बीवोरस, इट इज रॉन्ग, आंसर इज वेजिटेरियन। वजह क्या है समझते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि जो मीट नहीं खाता है तो मतलब क्या क्या खाता है, मुझे पता नहीं है। हर्बीवोरस जानते हैं कब होता है, वन हु ईट्स वेजिटेबल ओनली, जब वो सिर्फ सब्जियां खाता है, मतलब सब्जी के श्रेणी में जितने भी आते हैं उन सभी चीजों को खाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि जो मीट नहीं खाता है, यानी मछली की बात हो सकती है, दूध की बात हो सकती है, अंडे की बात हो सकती है। कई बार आप लोगों को पता चला होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो मीट नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, अंडा खाते हैं, और कहता है कि अंडा थोड़े ना नॉन वेज है। मुझे तो समझ ही में नहीं आया कि भाई अंडा नॉन वेज कैसे नहीं है, लेकिन उनको कौन सी श्रेणी में हम लोग रखते हैं, वेजिटेरियन। अब ये मत बोल दीजिएगा कि उसे नॉन वेजिटेरियन में रखते थे या कार्निवोरस में, नहीं।
तो जब ये क्वेश्चन आता है आपके पास ना कि डज नॉट ईट मीट, तो आंसर होगा वेजिटेरियन, और सिर्फ वेजिटेबल बोलेगा तब होगा हर्बीवोरस। चलिए तो कार्निवोरस का क्या बचा, वन हु ईट्स मीट। पीसीवोरस क्या हुआ, वन हु ईट्स, समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए फिश। ठीक है ना, फ्रटीवोरस का मतलब बहुत आवाज कर रही है चिड़िया लोग, समझ जाइए इन्हीं लोग को कह देते हैं वन हु ईट्स फ्रूट। वन हु ईट्स फ्रूट। आप देखिए कुछ एनिमल होते हैं, चिड़िया की आवाज आ रही है, जानवर की आवाज यहाँ तक पहुंच नहीं रही आपको, लेकिन जानकारी होगा कि कुछ जानवर पूरी तरह से क्या चीज पे आश्रित होते हैं, घास पे। तो वन हु ईट्स ग्रास। आप देखिए कुछ स्टूडेंट के मन में जिज्ञासा भी हो सकती है, हो रही हो कि अच्छा सर ऐसा बर्ड बताइए ना, जैसे कुछ मछलियां मछलियों को खा जाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं, फिर आपने सुनने में आया होगा कि कुछ सांप जो होते हैं वो छोटे सांपों को खा जाते हैं, ऐसा भी सुनने में आया होगा। तो ये हो क्या रहा है कि एक जाति उसी जाति के दूसरे जीव को खा जाती है, तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, कैनिबल, सी डबल एन, कैनिबल। वन हो एड्स, इसका दो डेफिनेशन आप कर सकते हैं, वन हो एड्स हिज अ स्पीसीज, हिज या एड्स करिए कोई दिक्कत नहीं, या तो वन हो एड्स ह्यूमन प्लस, इंसानों को खाने वाले को भी नरभक्षी यानी कि कैनिबल कहते हैं, और अपनी ही जाति को खुद खा जाने वाला कोई दूसरा जीव भी कैनिबल ही कहलाएगा। तो एम और डी सीरीज का ये आज आपको मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन बताया है, उम्मीद है कि ये कॉम्बिनेशन कल की तरह आपको फिर से पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ आज का वोकैब सेशन मैं लास्ट करता हूं, और उम्मीद है कि हर बार की तरह आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे अगले वीडियो के लिए फिर से आप लोगों के बीच आने का एनर्जी दुगना रहे।